नमस्कार, खबर जयपुर से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जयपुर टीम के द्वारा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह घोड़ीवाला का जयपुर में प्रथम बार आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजनकर्ता टीम से राम सिंह सुदरासन ने बताया कि इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अध्यक्षता में कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सिंह घोड़ीवाला के साथ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, श्री बसंत आनंद जी महाराज, जयपुर से चेयरमैन गजेंद्र सिंह चिराणा, अजय सिंह चौहान, जयपुर से पार्षदगण वीरेंद्र सिंह, गणेश सिंह नाथावत, सुमेर सिंह जोधा, दशरथ सिंह, रणवीर सिंह राजावत, कर्मचारी यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह खोजास, राजस्थान टूरिस्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष दलीप सिंह मैरोली, मदद फाउंडेशन से दलवीर सिंह सपेड़, राजपूत विकास मंच अध्यक्ष अजय सिंह श्यामपुरा, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं करनी सैनिक मौजूद रहे। जयपुर ब्यूरो की रिपोर्ट। आपको बताना चाहूंगा, मेरे सामाजिक जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो एक करनी सेना के प्लेटफॉर्म पे हुई थी। मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आप एक संगठन में काम करके कैसे मजबूत हो सकते हैं। 2015 की बात है, शुरुआत में जब सुखदेव दादा प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने जब मुझे पहली बार बुला के कहा गया था कि बना समाज के लिए कुछ करो, आगे रहो, आगे आओ। और वो 2015 है, उस शुरुआत हमने करी थी। वो भवानी निकेतन से 23 सितंबर को हमने एक रैली का आह्वान किया था और वो मेरे हिसाब से इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी। उस दिन से शुरुआत हुई थी। उसके बाद सुखदेव दादा और उनकी पूरी टीम जो समाज के आगे, समाज के लिए जहां तक का संगठन होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, हमारी जाति का स्वाभिमान होना चाहिए, हमारे देश का स्वाभिमान होना चाहिए, हमारी वंश परंपरा का स्वाभिमान होना चाहिए, हमारे सूक्ष्म शक्तियों का स्वाभिमान होना चाहिए, हमारे विश्व शक्तियों का केंद्र उसका स्वागत होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, भाव देना चाहिए, तिलांजलि देनी चाहिए, समर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं कर सकते, आई डोंट फील दैट वी शुड रीच एन अवर टारगेट। अवर टारगेट इज द मोक्ष, अवर टारगेट इज द फिलोसॉफी, अवर टारगेट इज द ओनली द ज्ञान टू द रन ऑफ इट। विवेकानंद कहते हैं कि जिसके जैन जीवन में बोध होगा, जिसके शरीर के अंदर भाव होगा, जिसके अंदर आत्मविश्वास होगा, जिसको करने और मरने की क्षमता तैयार हो जाएगी, वो ही देश का समाज का नेतृत्व कर सकता है। और आज बहुत अच्छे व्यक्ति को हमने समाज का अध्यक्ष बनाया है। मैं प्रदेश को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो एक बार सभी हाथ ऊंचा करेंगे जोर से, गगनगुंज दिखाए, करनी माता की जय। जैसे सुख सभा में है जैसे बैठे हो आप, मेरा समय है क्या? यहाँ से 5 मिनट तक आवाज आने चाहिए जोर से, करनी माता की जय। उसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और पार्षद गणों का आप लोगों ने सम्मान किया उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनका आपने हौसला बढ़ाया, इनको आपने समाज का दायित्व एक बार फिर याद दिलाया। और मां भवानी से कामना करता हूं कि अभी जो पार्षद बने हैं वो आने वाले चुनावों में विधानसभा की भी ट्राई मारे, किस्मत जरूर अजमाए। हार जीत तो भाई और बहन है, एक निश्चित होती है, पर आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग आगे बढ़े, हम आपके साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। पर हमारी बात को रखने वाला विधानसभा में भी होना चाहिए सदस्य, जो युवा हमारी बात कर सके। ऐसे नहीं कि ये पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया और आंख बंद करके साइन कर दिए। ऐसे विधायकों की हमें जरूरत नहीं, हमें जिंदा विधायक चाहिए जो वहां टेबल बजा सके। जैसे अभी एक दो विधायक वहां हमारे हैं, राजेंद्र जी भुटा जैसे, जो हर मुद्दे पर समाज के लिए पार्टी से अलग, पार्टी लाइन से अलग हट करके मांग उठाते रहते हैं। तो ऐसे और भी युवाओं की वहां जरूरत है। तो आने वाले चुनाव में पार्षदों से मेरा आग्रह है कि आप अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करें और हर जनता से घर घर तक उनसे सीधा लगाव और जुड़ाव रखें। और आने वाले चुनाव में आप ट्राई मारें, हम आपके साथ हैं।
आपने अपना कीमती समय दिया, सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अभी भी मैं ऑक्सीजन हटा के ही आपके बीच में आया हूँ। और रास्ते में आप जाते गाड़ी का टायर भी फट गया, तो वहाँ भी 20-25 मिनट लग गई थी। और इसके साथ साथ जो सामाजिक संस्थाओं के भी यहाँ अध्यक्ष आए हुए हैं, उनका भी सम्मान हुआ है, उनका भी मैं जोरदार तरीके से आपसे आग्रह करता हूँ, एक बार फिर ताली बजा करके सबका सम्मान करें। ज्यादा समय हो गया पहले ही, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके लोग बीच में बातें रखते रहते हैं। हमने सीएम साहब को परसों शाम को लिख दिया, जो एसआई की भर्ती होने जा रही है उसमें 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, भाई 13-14-15-16 ऐसे क्यों, एक साथ क्यों नहीं? और फिर तैयारी करने के लिए कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 या 2 महीने का टाइम तो दिया जाए। ऐसी कौन सी आपदा आपड़ी जो सिर्फ 10 दिन के अंदर ही भर्ती भी निकाल दी और 3 दिन में उनके अलग अलग 3 दिन पेपर चलेंगे, अलग अलग सिस्टम, क्या कोई बड़ा गेम हो रहा है या कोई एक जाति को बढ़ावा देने के लिए, एक जाति को भर्ती करने के लिए ये ऐसा सिस्टम किया गया है? तो सीएम साहब को हमने लिख दिया है और बात भी करेंगे दोबारा। और एक अभी जाकर के ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी योगिंदर सिंह जी कटार आपके सामने खड़े हैं राजस्थान, और कार्यकारी अध्यक्ष जी मनोज सिंह जी जिनका आज सम्मान हो रहा है, ये आपके सामने खड़े हैं, दोनों हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि पूरे जिला अध्यक्षों को अभी जाकर के डायरेक्शन दे दें एसआई भर्ती के ऊपर, कल 11 बजे एक साथ हर कलेक्टर कार्यालय के ऊपर जाकर प्रदर्शन करके ज्ञापन दें, इसमें टाइम बाउंड आगे बढ़वाने के लिए, टाइम आगे करवाने के लिए और एक दिन में परीक्षा करवाने के लिए। ये अलग अलग परीक्षाएं करा करके कोई गेम हो रहा होगा, हमें उस गेम से कोई लेना देना नहीं, कोई भी जाति क्या कर रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर ईडब्ल्यूएस हमने लड़ करके लिया, कोई भीख में नहीं लिया, नाक में नकेल डाल के लिया सरकार के, ठीक है। और उसका बेनिफिट हमारे भाई और बहनों को मिलना चाहिए, उस बेनिफिट को आगे बढ़ाने के लिए, उस 10% बेनिफिट को लेने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो एसआई की भर्ती आप कर रहे हो इसमें टाइम आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो विधानसभा आपकी 7 से चल रही है ना या 9 से चल रही है? 9 से चल रही है, हाँ तो 9 से चल रही है, तो 10 तारीख को फिर भुगतने के लिए तैयार रहना, हम आ रहे हैं वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। नौ से आपकी विधानसभा शुरू हो रही है, अगर एसआई भर्ती के अंदर टाइम आगे नहीं बढ़ाया गया तो 10 तारीख को हमारे विधानसभा पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए तैयार रहना सरकार। ये हमारा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का, और जो एसआई भर्ती ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास है उन सबने सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, या तो सरकार टाइम बढ़ा देती है, नहीं तो 10 तारीख को आ जाओ जयपुर, करेंगे विधानसभा कूच। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, सब कोई भी सरकार प्रकार है सब आपके कदमों में झुकेगी, जरूर झुकेगी। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, कल किसी भाई ने पोस्ट डाल दी, क्योंकि अब अपने पेज चलते हैं तो उसमें एडमिन कोटा भी है, अहमदाबाद भी है, जोधपुर भी है, तो किसी भाई ने एक पोस्ट डाल दी कि माताजी रूप कंवर की पुण्यतिथि पर हार्दिक बधाई, और हम उनको नमन करते हैं कि ऐसी छत्राणी जो माँ पद्मावती माँ हांडी रानी की तरह जौहर की ज्वालाएं जिसने त्याग किया उनको हम नमन करते हैं और करते रहेंगे, मुग्ध में एक नहीं 1000 करवाओ, भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को संगठित रह के आगे बढ़ना है, और हर मुद्दे के ऊपर ये नहीं कि ये तो उस संगठन में है, उस संगठन में है,
जहाँ बात आती है आन पान शान की, एक जाजम होनी चाहिए और एक छत होनी चाहिए और उसके नीचे बैठने वाले सब भाई बराबर होने चाहिए। समाज के अंदर आपको पता है पहले हमारे समाजों के 50-50 भाग कर रखे हैं, ये छोटा राजपूत, 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 तो बड़ा कहाँ है? बड़ा मेरे को आज तक मिला नहीं है, कहाँ फिर बड़ा? हम सब भाई हैं और मैं नारा लगाता हूं, मैं बोलता हूं हम सब, आप बोलोगे एक हैं, हम सब एक।